subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी ने ले लिया है बहुत ही बड़ा मोड। जी हाँ, प्रिज्म ट्रैक को देख लीजिए, जहाँ शो में देखने को मिला किस तरह से कार्तिक और नायरा को पता चल जाता है कि मनीष ने कार्तिक को यूएसए भेजने का फैसला ले लिया है। तभी नायरा ये सब सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि कार्तिक फैसला ले लेता है कि वो स्वर्णा की सारी गलतफहमियों को दूर कर देगा, इसलिए वो वही वीडियो दिखा देता है उसको जहां पर नायरा शुभम का इलाज करवा रही होती है। जिसके बाद स्वर्णा भी कह देती है कार्तिक से कि उसकी खुशियां सिर्फ उसके बच्चे में है। जिसके बाद ये साफ हो जाती है बात जाहिर कि स्वर्णा ने कहीं ना कहीं कार्तिक और नायरा को माफ कर दिया है। पहले हम आपको जानकारी दें, आने वाले शो में तो आप देखने वाले हैं कि कार्तिक और नायरा भागकर शादी करने की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन इस प्लानिंग पर पानी फिरता हुआ नजर आने वाला है आपको। जी हाँ, दरअसल होगा कुछ यूं कि कार्तिक मंदिर में वेट करता रह जाएगा और नायरा नहीं आएगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि कार्तिक नायरा को देखने के लिए सिंघानिया हाउस जाने वाला है, जहाँ पर कार्तिक देखेगा कि नायरा तो सही सलामत होगी, ना ही किसी परिवार के सदस्य को कुछ हुआ होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार नायरा क्यों नहीं आई शादी के मंडप में। इसके साथ ही आप देखेंगे कि नानी भी नायरा को समझाते हुए नजर आने वाली है कि वो क्यों नहीं गई अपने कार्तिक से मिलने। वेल, हो ना हो, इन सब की वजह एक ही है, वो है उसकी फैमिली। अपनी फैमिली की वजह से नायरा ने अपने प्यार को भुला दिया। तो अब आगे देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि नायरा कार्तिक और अपनी फैमिली में से किसे चुनती है। वेल, कितने एक्साइटेड हैं आप इस खबर को लेकर, अपने कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। नज़म की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.